हेलो फ्रेंड्स, देसी फूड विद बुशरा में आपको वेलकम कहते हैं। आज देसी फूड विद बुशरा में हम चिकन सूप बनाने वाले हैं। आए तो अपनी चिकन सूप की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं 2 ग्लास पानी को ऐड करूंगी। इसके अंदर मैं अपना बोनलेस चिकन जो है वो ऐड करूंगी। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम चिकन को 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए चिकन गलेगा। तो फ्रेंड्स, चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा कितना गल चुका है। यखनी हमारी रेडी है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें से इसको रिमूव कर देंगे और इसको, क्योंकि इनका काम ख़त्म हो चुका है, और तमाम चिकन को एक अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन को हमने निकाल लिया है, इसको गरम गरम चिकन को ही हम फोर्क की मदद से पीसेस में कर लेंगे इस तरीके से। चिकन की यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। यखनी के अंदर अब मैं डालूंगी थोड़ी सी शिमला मिर्च, बारीक बारीक चॉप कर ली है। अब इसके अंदर चॉप की हुई गाजरें ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स इस सूप में ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये थोड़े से मटर हैं जो मैंने बॉयल कर लिए हैं, इनको ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, मैंने नेशनल वालों का लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। 2 चम्मच इसमें जाएगा विनीगर, वाइट सिरका। 3 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम चिली सॉस। तकरीबन 1 प्याली इसमें चिकन ऐड करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। तकरीबन 1/2 चम्मच इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, अब इसके अंदर पानी ऐड करके इसको पतला कर लेंगे। रेडी किए हुए कॉर्नफ्लोर को हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपने सूप के अंदर मिक्स करेंगे ताकि सूप को ठीक कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता से डालना है। देखिए, सूप हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हमने एक अंडा लिया है, इसको हम लेंगे। अंडे को हम इसके अंदर डाल देंगे। कुछ लोगों को सूप में अंडे के पीसेस जो हैं वो बड़े बड़े पसंद होते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ेंगे ताकि ये अंडा अच्छे से पक जाए। सर, लोगों के सूप में से अंडे की स्मेल आती है, वो इसलिए आती है कि वो लोग सूप में अच्छी तरह अंडे को पकाते नहीं हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि अंडे की सारी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, सूप हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। फ्रेंड्स, चिकन सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस बारिश वाली सर्दी में अपनी फैमिली को चिकन सूप बना के खिलाएं, इंशाल्लाह उनको बहुत मज़ा आएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।